समाज के लोगों को यहाँ बुलाया गया है, उनको भी बुलाया गया है जो उत्थान का काम कर रहे हैं। क्या आज मुद्दे, किन मुद्दों पर बैठक होगी, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और निवारण के लिए, इनके निराकरण के लिए किस तरह से? देखिए क्या है, बाछड़ा और बेड़िया समूह के जो लोग हैं उनके विकास को लेकर हम चिंतित हैं। शासन ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ नीतियां बनाई हैं, लेकिन हमें बार बार यह खबर मिल रही थी कि वो योजनाएं और वो नीतियां इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और थोड़े से प्रयासों में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग के द्वारा एक समिति का, इनके विकास के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें हमारी सदस्य माननीय कविता पाटीदार जी जो हैं वो मुख्य सदस्य हैं। मैं इनसे कहूँगी कि बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है, पूरे प्रदेश के बाछड़ा और बेड़िया समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको वो हमारे आयोग में लेकर आई हैं और हम उनसे रूबरू होके उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी शिकायतों के बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और अभी जो मुझे समझ में आया है, जो बहुत गंभीर मसला है कि बाछड़ा और बेड़िया जाति के समूह के जो बच्चे होते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र जो है उसको पाने में बहुत तकलीफ होती है, और जबकि इस विषय में शासन की नीति स्पष्ट है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चों की जाति उनके माँ के आधार पर लिखी जाए और उसमें कहीं कोई विरोधाभास भी नहीं होता है तो भी उनको तंग किया जाता है। आज ही हमारे कमीशन से सामान्य प्रशासन को और समस्त मध्य प्रदेश के एक एक कलेक्टर को, कमिश्नर को ये पत्र जाएगा कि वो सुनिश्चित करें कि इस समाज के और अन्य किसी समाज के जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने में किसी भी तरह की कोताही या अननेसेसरी जो विलंब होता है वो नहीं होना चाहिए, उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, शासन की नीतियों का पूरी तरह से पालन किया जाए।